कैप्टन अभिमन्यु ने सभी विजेता टीमों को पुरस्कृत कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैप्टन अभिमन्यु ने लगातार खिलाड़ियों की तरफ से खेल नीति पर उठाए जाने वाले सवालों को लेकर कहा कि पिछले 4 सालों में जितनी इनामी राशि बीजेपी सरकार ने दी है उतनी पहले किसी भी सरकार ने नहीं दी। उन्होंने कहा कि हमने खिलाड़ियों को नौकरी देने का भी काम किया है। हरियाणा सरकार खिलाड़ियों को ना सिर्फ चिंता करती है बल्कि उन्हें बढ़ाने और प्रोत्साहित करने का काम भी करती है। हरियाणा प्रदेश के इतिहास में इतने खिलाड़ियों को इनाम आज तक कभी नहीं दिए गए जितने पिछले 4 साल के अंदर दिए गए हैं। इतनी नौकरियां कभी नहीं दी गई जितने पिछले 4 साल के अंदर दी गई हैं। और इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश अपने खिलाड़ियों की न केवल चिंता करता है, उनको प्रोत्साहन करता है, उनको बढ़ाने का काम करता है। हर सुविधा देने के लिए हमने तो हरियाणा प्रदेश के गांव-गांव के अंदर योगशालाएं और स्टेडियम बना करके एक खेल की संस्कृति को बढ़ाने का काम किया है।